हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार इंडिया का स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी कोच 91 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऊर्जा बचत के सामान्य उपाय यानी जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स चैप्टर, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन का लेसन 9 है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको हमने पहले आपको बता दूं कि इसको हमने 3 पार्ट में विभाजित किया है। ठीक है, जिसमें से आज आपको अभी लगभग 1 बजे के फर्स्ट पार्ट मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट लगभग 7 बजे मिल जाएगा, 8 बजे के करीब लगभग, और थर्ड पार्ट आपको कल मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो आपको चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका। ठीक है दोस्त, तो हम इसमें पहला आपको देखेंगे लाइटिंग। ठीक है, लाइटिंग क्या है यानी लाइटिंग से कैसे ऊर्जा सेविंग किया जा सकता है। तो उपयोग ना होने पर बिजली बंद कर दें। ठीक है, पहला ये है उपयोग ना होने पर बिजली बंद कर दें। दूसरा है दिन में सूर्य की रोशनी में काम करें। अधिकतर जो है दिन में आप सूर्य की रोशनी से काम करेंगे तो जो है लाइटिंग की वो बचत होगी। ठीक है, और घर में अगर बात है तो हल्के पर्दे, ठीक है, वह दीवारों का रंग हल्का रखें। ठीक है, जिससे क्या होगा कम वाट के बल्ब से ही, ठीक है, कमरे में मतलब उपयुक्त जितना ज़रूरी रहता है उजाला, उतना कमरे में उजाला रहेगा। ठीक है दोस्त, और नेक्स्ट है बल्ब और ट्यूबलाइट की धूल को साफ करते रहना चाहिए। ठीक है, ताकि इनकी प्रदीप्त को बनाए रखा जा सके। ठीक है, इसकी जो है बल्ब और ट्यूबलाइट की धूल जो जम जाते हैं ऊपर, उसे साफ करते रहना चाहिए। ठीक है, और अगर बात हो साधारण 100 वाट के बल्ब के स्थान पर CFL बल्ब का उपयोग करें। CFL LED बहुत प्रकार के बल्ब आ चुके हैं, उन सभी बल्बों का बल्बों का उपयोग करें। ठीक है, जिससे लगभग 80% की जो है ऊर्जा का जो है बचत होता है। ठीक है, और जो CFL बल्ब होता है वो लगभग साधारण बल्ब यानी जो 100 वाट के बल्ब आते हैं उससे लगभग 8 गुना ज़्यादा समय तक चलता है। ठीक है, या अधिक चलता है। अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं, नेक्स्ट हम पंखा के बारे में देखते हैं, पंखे से हम एनर्जी सेविंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों छतों के पंखों के लिए पुराने रेगुलेटरों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरों का उपयोग करें। ठीक है, छत के पंखे अगर उसमें पुराने रेगुलेटर हैं तो उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर आजकल उपयोग करें। ठीक है दोस्त, इसके बाद है अधिक ऊँचाई होने पर छतों के पंखे के बजाय एग्जस्ट पंखों का उपयोग करें, जैसे टेबल फैन हो गया। ठीक है, ये सब एग्जस्ट पंखों का उपयोग करें अगर अधिक ऊंचाई है आपके छत की। ठीक है दोस्त, और नेक्स्ट है पंखों के ब्लड जो है वो रेगुलरली साफ करते रहें, वह समय समय पर ऑयलिंग भी करते रहें पंखों के। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आयरन, जिसे हम अपने भाषा में प्रेस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, इससे कैसे ऊर्जा सेविंग की जा सकती है। ठीक है दोस्त, तो नंबर एक है ऑटोमेटिक टेम्परेचर कट ऑफ वाले आयरन बॉक्स का चयन करें। ठीक है दोस्त, जो आयरन बॉक्स का चयन करें वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर कट ऑफ वाला आयरन बॉक्स हो। ठीक है, उसके बाद है आपका आयरन करने हेतु उपयुक्त रेगुलेटर की स्थिति का प्रयोग करें। ठीक है दोस्त, उसके बाद है आपका आयरन करते समय कपड़ों पर अधिक पानी ना छिड़कें, जितना आवश्यकता हो उतना ही पानी छिड़कें, अधिक पानी ना छिड़कें, और जो गीले कपड़े थे उसे प्रेस ना करें या फिर उसे आयरन ना करें। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिक्सर माइक्रोवेव व इलेक्ट्रिक गैस स्टोव। ठीक है, मिक्सर माइक्रोवेव व इलेक्ट्रिक गैस स्टोव। ठीक है, तो इन सभी से हम कैसे एनर्जी सेव कर सकते हैं ये चलिए। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा, इतना आसान भाषा में लिखा है। ठीक है, तो मिक्सर व ग्राइंडर में सूखी चीज़ों का अधिक ना पीसें। ठीक है, ये लिक्विड चीज़ों की अपेक्षा पीसने में अधिक समय लेते हैं। आपको भी पता होगा जो सूखी चीज़ें हैं वो पीसने में लिक्विड चीज़ों से अधिक समय लेंगी, मामूली बात है। और नेक्स्ट है हमारा माइक्रोवेव कन्वेंशनल। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक गैस स्टोव की बजाय 50% कम ऊर्जा की खपत करती है। ठीक है, इसलिए माइक्रोवेव कन्वेंशनल का उपयोग करें। इलेक्ट्रिक अधिकतर होता और इलेक्ट्रिक गैस जो है वो थोड़ा कम उपयोग करें, क्योंकि माइक्रोवेव कन्वेंशनल जो है वो 50% कम, ठीक है, ऊर्जा खपत करते हैं इलेक्ट्रिक गैस से। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जो कि खाद्य सामग्री को देखने के लिए। ठीक है, ओवन का दरवाजा बार बार ना खोलो, क्योंकि प्रत्येक बार खोलने से 25 डिग्री ताप गिर जाता है। लगभग 25 डिग्री ताप एक बार ओवन का दरवाजा खोलने से गिर जाता है, इसलिए खाद्य सामग्री को बार बार देखने के लिए ओवन का दरवाजा ना खोलें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
खाना पकाने के निर्धारित समय से कुछ मिनट पहले ही इलेक्ट्रिक गैस को बंद कर दें। ठीक, इलेक्ट्रिक गैस को अगर आपका खाना पकने वाला है तो उसके कुछ समय पहले ही, ठीक है, इलेक्ट्रिक गैस को बंद कर दें और वो धीरे धीरे अपने आप खाना पक जाएगा क्योंकि हीटिंग उसमें रहेगी। ठीक है दोस्त, उसके बाद है आपका समतल पैंदे के पेन का उपयोग करें। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से कॉइल के संपर्क में रहता है। ठीक है, वो समतल पैंदा है, ठीक है, समतल पैंदे हैं तो वो पूरी तरह से आपके जो है कॉइल के रूप में, यानी कॉइल पर वो रखा रहेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद है चाटो, आपका गैस के बर्नर पर खाना पकाते समय आँच के मध्यम रखें, यानी आँच को स्लो रखें, इससे काफ़ी LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस संरक्षित रहेगा। ठीक है दोस्त, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सब खाना बनाते हैं हॉस्टल में रहकर या घर पर जो जहाँ भी हैं, ठीक है, इस समय अगर आप रूम लें तो, ठीक है। और सातवां है, यदि नीली ज्वाला निकल रही है तो इसका मतलब कि आपकी गैस दक्षतापूर्वक काम कर रही है। ठीक, अगर गैस से जो है नीली ज्वाला निकल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो गैस है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर पीली ज्वाला निकल रही है, यानी पीली ज्वाला दर्शाती है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके जो बर्नर है उसको सफाई की आवश्यकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, अधिकतर प्रेशर कुकर का उपयोग करें। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कुकर में आप देखते हैं कि खाना जो है जल्दी पक जाता है। ठीक है दोस्त, इसलिए अधिकतर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। और उसके तो फ्रिज से निकाली गई सामग्री को कमरे के ताप के बराबर आने पर ही गर्म करें। ठीक है दोस्त, अगर फ्रिज से कोई सामग्री निकाल कर आपको गर्म करना है तो उस सामग्री को आप निकाल कर कमरे के बराबर लगभग टेम्परेचर आ जाए तब आप उससे गर्म करेंगे तो जल्द ही गर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।